हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। काफी लंबे टाइम से आप सभी लोग वेट कर रहे थे पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के एप्लीकेशन फॉर्म का। तो बच्चों वो टाइम आ चुका है, 1st मार्च को यूनिवर्सिटी ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल रिलीज कर दिया है। तो आज की वीडियो में जानने वाले हैं कैसे आप सभी को फॉर्म अप्लाई करना है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट एडमिशन भी कुछ कोर्सेस में हो रहे हैं, तो क्या क्या चीजें होने वाले इन फ्यूचर, वो सब कुछ आप सभी के साथ आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना, और जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी प्रॉब्लम को आप शेयर कर सकते हो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ करके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ओनली ऑन एग्री अपडेट से आपको कंप्लीट अपडेट टिल एग्जामिनेशन, आफ्टर एग्जामिनेशन, टिल काउंसलिंग प्रोवाइड कराता रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप सभी को बता दूं कि एडमिशन का जो प्रोसेस है वो यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। बीएससी एग्री, पीजी, यूजी, एमसीए, एमबीए, पीएचडी सारे कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए जा चुके हैं। कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया गया, जहां से आपको डायरेक्टली फॉर्म अप्लाई करना है। आप लोग यहां पे देख सकते हो, ये आप सभी का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहां पे आप सभी को अभी फिलहाल के लिए फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे फॉर्म अप्लाई करना है वो सब कुछ मैं आप सभी को बताऊंगा, पहले जान लेते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 मार्च से अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। यूजी, पीजी, पीएचडी और इसके साथ साथ एमबीए और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए भी, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आप जानो कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाला है, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है वो तो मैं बता दूंगा बाद में। पहले आपको यह जानना जरूरी है कि किस डेट तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, एग्जामिनेशन कब होगा वगैरह वगैरह। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ये समझना कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कुछ भी चीजें आपसे मिस्टेक नहीं होंगी, ठीक है। चलिए आगे के लिए हम प्रोसीड करते हैं। देखो जो आपका एप्लीकेशन फी लगने वाला है वो अप्रोक्स जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1200 रुपए लगने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें एससी एसटी पीएच के लिए, उनके लिए 600 लगेंगे बाकी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। अगर आप लोग एससी एसटी में हो तो 600 रुपए में फॉर्म फिल कर सकते हो। 1 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक फॉर्म फिलअप होगा। और इसके अलावा, ठीक है, एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग देखते हैं। और ये यहाँ पे डिक्लेयर किया गया कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा, जो प्रोसेस होगी, सब कुछ आपका ऑनलाइन होगा, किसी भी प्रोसेस को ऑफलाइन फॉलो नहीं किया जाएगा। सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके अलावा लॉगिन करके आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो भी डिटेल वगैरह होगी उसको फिल करके सिग्नेचर वगैरह को अपलोड करके फी पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है। बाकी अगर हम आगे बात करें आप सभी कोर्सेज के नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, तो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन है कि यूनिवर्सिटी का जो बीटेक का कोर्स है, बीटेक फूडटेक और बीटेक बायोटेक को छोड़ के जितने भी बीटेक के कोर्सेस है, सारे कोर्सेस में जेई मेंस के थ्रू एडमिशन होगा। बाकी एमबीए एग्री बिजनेस में कैट स्कोर के बेसिस पे, पीएचडी वगैरह में सीमैट स्कोर के बेसिस पे आप सभी का एडमिशन होगा। एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं। देखो जो यूजी और एमसीए का एग्जाम का डेट होगा वो 4 जून को होगा, ठीक है। बाकी पीजी का और पीएचडी का 3 जून को होगा, मॉर्निंग में 10 AM पर। एग्जाम सेंटर कहां पर रहने वाला है, यूजी के लिए काफी सारे सेंटर है, अल्मोड़ा, देहरादून, हल्द्वानी, पंतनगर, पिथौरागढ़, ऋषिकेश, श्रीनगर में, ठीक है। बाकी मास्टर प्रोग्राम्स के लिए देहरादून और पंतनगर में, एमसीए के लिए पंतनगर में, पीएचडी के लिए पंतनगर में। एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे अदर स्टेट के बच्चे भी एलिजिबल है। तो भाई अगर आपको जाननी है एलिजिबिलिटी तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे अदर स्टेट वाले बच्चे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किन सीटों पे कैसे, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको लास्ट डेट बता रखा है कि 15 अप्रैल यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म का, चाहे आप उत्तराखंड से हो चाहे अदर स्टेट हो, सबके लिए लास्ट डेट है। 30 जून पीजी में जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट होते हैं उनके लिए लास्ट डेट है। बाकी आपका एप्लीकेशन फी 1200 रुपए जनरल ओबीसी के लिए, 600 रुपए एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की फी है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम्स के सीट्स के बारे में। तो कोर्स वाइज आप लोग देख सकते हो कितनी सीटें, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, पेमेंट सीट, जो भी पेमेंट सीट है उस पेमेंट सीट पे अदर स्टेट के बच्चे एलिजिबल हैं। अगर बात करें पीजी के, तो पीजी में भी बहुत सारी पेड सीटें अवेलेबल हैं। और एक और चीज यहाँ पे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया कि कुछ कोर्सेस में डायरेक्ट एडमिशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ 12th स्कोर। तो कौन से कोर्सेस होने वाले हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पीजी में जैसे आप देख सकते हो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की 8 रेगुलर सीट है फॉर यूके कैंडिडेट एंड उत्तराखंड के बच्चों के लिए, 2 अदर स्टेट के लिए सीटें हैं, ठीक है। और एलिजिबिलिटी देख लेना कि आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर
फिशरीज फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर वगैरह में कंप्लीट हो, कोर्स के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी को चेकआउट कर सकते हो। स्पेशली बात करेंगे यूजी कैंडिडेट के बारे में, तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में टोटल 130 सीटें हैं उत्तराखंड स्टेट के बच्चों के लिए, 26 सीटें हैं पेमेंट। पेमेंट का मतलब होता है कि उन सीटों जिसपे की अदर स्टेट के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, तो 26 सीट है पेड सीट जिसपे की अदर स्टेट वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान देना कि पेड सीट का फी भी काफी ज्यादा है, जिसके बारे में आगे आप सभी के साथ बात करेंगे। तो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, अगर आपका 10+2 पीसीबी पीसीएम या फिर एग्रीकल्चर के साथ कंप्लीट है 50% मार्क्स के साथ जनरल ओबीसी में, 47.5% मार्क्स के साथ एससी एसटी में, तो आप लोग पंतनगर का फॉर्म यूजी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप चाहे पंतनगर, चाहे आप उत्तराखंड से रहो या फिर आप अदर स्टेट से रहो, नो मैटर, ठीक है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कम्युनिटी साइंस के लिए 70 सीटें हैं, 10 सीट पेड सीट है। बीबीएससी के लिए 62 सीटें हैं, 24 सीटें पेड हैं। इसके अलावा बीएफएससी में 24 सीटें रेगुलर हैं, 4 पेड सीटें। बीटेक फूड टेक में 30 सीटें हैं, जिसमें कि 15 सीट यूके के लिए, 15 सीट अदर स्टेट के बच्चों के लिए, और ये रेगुलर सीट है, ठीक है। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में 40 सीटें हैं, 20 सीटें अदर स्टेट के लिए और 20 सीटें उत्तराखंड स्टेट के बच्चों के लिए, ठीक है। बीटेक एग्रीकल्चर में 60 सीटें हैं, इसका एडमिशन आप सभी का जेई स्कोर के बेसिस पर होगा। बाकी अगर बात करें बीटेक कोर्सेज के लिए, तो बीटेक में पीसीएम पीसीबी दोनों बच्चे एलिजिबल रहते हैं। फूड टेक में पीसीएम वाले भी एलिजिबल हैं, पीसीबी वाले भी एलिजिबल हैं, ठीक है। बीएफएससी में केवल और केवल पीसीबी वाले एलिजिबल हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे एक और चीज देखना, द कैंडिडेट सेकिंग एडमिशन फॉर वेटरनरी कोर्सेज एंड फॉर फिशरीज कोर्सेज प्रोग्राम्स मस्ट कंपल्सरी अटेम्प्ट पीसीबी पेपर कोड इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर आप सभी का 12th में पीसीबी है और आपने अगर एग्जाम पीसीबी से दिया है, तभी आप वेट कोर्सेज के लिए या फिर बीएफएससी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। अब बात करते हैं पेमेंट शीट के बारे में। तो जितने भी पेड सीट हैं, वो अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए रिजर्व रखी जाती हैं, ठीक है। देखो एट सैंक्यूनाइड सीट्स इन यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स एक्सेप्ट एमसीए शैल बी अलॉटेड टू बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड स्टेट ओनली। हाउएवर 50% पेमेंट सीट फॉर यूजी प्रोग्राम्स विल बी रिजर्व फॉर अदर स्टेट कैंडिडेट। यानी कि जो पेड सीट है, जो पेमेंट सीट है, उनकी 50% सीट अदर स्टेट बच्चों के लिए रिजर्व रखी जाती है, ठीक है। लास्ट ईयर से ये अप्लाई होना स्टार्ट हुआ था, लास्ट ईयर काफी सारे बच्चों को पेड पर एडमिशन मिला था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग पेड सीट पर एडमिशन लेते हो, ठीक है, तो आपका जो फी होगा वो 5 लाख रुपए पर एनम पड़ जाएगा बीबीएससी के लिए, ठीक है। बीएससी एजी के लिए 1 लाख रुपए पर एनम, कंप्यूटर साइंस के लिए 50,000 रुपए पर एनम, बीएफएससी के लिए 50,000 रुपए पर एनम, फूड टेक के लिए 1 लाख रुपए पर एनम और बायोटेक के लिए 50,000 रुपए पर एनम के बेसिस पे आपको फी पे करनी पड़ेगी यूटी के पेड सीटों के एडमिशन के लिए। तो भाई आप किसी भी स्टेट से रहो, नो मैटर, आप सभी को एडमिशन लेना मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी आपको एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ स्पॉन्सर कैंडिडेट की सीटें यहाँ पर रिजर्व रखी जाती हैं, जैसे ग्राम विकास अधिकारी के लिए 5 सीटें बीएससी एसी में, ठीक है। अगर आपके कोई पेरेंट्स उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट पे एनिमल हस्बेंड्री में एम्प्लॉय है, तो 5 सीटें बीएससी के हैं। उसके अलावा एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में वर्कर है, तो 1 सीट है। इसके अलावा भी काफी सारे वेटेज कोटा की सीटें भी यहाँ पर रहती है, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर कोटा हो गया, रूरल विलेज कोटा हो गया, ऐसे करके काफी सारे कोटा यहाँ पर लगते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें, तो बीएससी के लिए 25 साल और बाकी अदर कोर्सेज के लिए आपका अगर एज 23-25 ईयर है, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, वेबसाइट पर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने मेंशन कर रखा है, जाइए वहां पे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट अभी से करते रहिए। साथ ही साथ आप लोग अपना जो भी एग्जाम है, ठीक है, उसका फॉर्म फिलअप कर दीजिए। कोर्सेज के ड्यूरेशन की देख लेते हैं, 4 साल का कोर्स है, बेसिकली सारे कोर्स 4 साल के, और जो हमारा बीबीएससी का कोर्स है वो अप्रॉक्स 5.5 साल का कोर्स है, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई और दिक्कत आ रही हो, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे बात कर सकते हो। एक और चीज आप सभी के प्रिपरेशन के लिए, हमने अपने एप्लीकेशन पे, हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है एग्री अपडेट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने मेंशन कर रखा है, यहाँ पे काफी सारे फ्री स्टडी मटेरियल आप सभी के लिए अवेलेबल करा दिए गए। इसके अलावा आप सभी के केमिस्ट्री के, एग्रीकल्चर के, पंतनगर के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर पेपर के सैंपल जो भी है, आप लेकर इसको एक बार सॉल्व कीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप एक बार जाइए वेबसाइट पे, ठीक है, वेबसाइट का लिंक या फिर हमारे एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो जाइए वहां पे सारे ईयर के, प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू वहां पे ऑफिशियली अपलोड कर दिए गए हैं। आप जाकर इसको सिलेबस के साथ साथ काफी कुछ चीजें डाटा यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है, तो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, किसका, पंतनगर का।
तो जाइए इसको डाउनलोड कीजिए और अपने प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दीजिए बच्चों, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत आएगी तो दिक्कत को मैं सॉल्व कर दूंगा, ओके। नो प्रॉब्लम, नो मैटर कि आप लोग कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन हाँ डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन कीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मा दे दूँ तो आप लोग देखो, या ये आप जैसे आप लिंक पे वीडियो में दिए गए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया वहां पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे देखना एमबीए के लिए, एमबीए एग्री बिजनेस के लिए, यूजी मास्टर्स वगैरह के लिए लॉग इन और रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिया गया। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके से कुछ बेसिक डिटेल पूछा जाएगा, जैसे कि आपका फोन नंबर हो गया, ठीक है, ईमेल आईडी हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, कैंडिडेट नेम, आपका डोमिसाइल वगैरह, ठीक है। तो आपका अगर डोमिसाइल अदर स्टेट है तो अदर स्टेट, वैसे करके आप इसको सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आपको एक लॉगिन आईडी मिलेगी, एक पासवर्ड मिलेगा, उस पासवर्ड के तहत आपको अगेन यहां पे देखना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपके पास आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी मिला होगा वो और पासवर्ड दोनों यहां पे फिल करके लॉगिन करके आप आगे का जो फॉर्म का प्रोसेस होगा, लाइक आपका पर्सनल डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर, फोटो या फिर फी पे करने का जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो आपको यहां से करना पड़ेगा। तो हमने ओवरऑल कंप्लीट डिटेल आप सभी के साथ वीडियो में शेयर कर दिया। अभी आपको आगे क्या करना है कि जाना है वेबसाइट पे और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आप सभी के, आपके एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते रहिएगा। कोई दिक्कत होगी मैं हूं आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।